भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी नसीहत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में झूठी और गलत बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा व बोरा समाज से कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के संवाद करना चाहिए और संपर्क में रहना चाहिए। समाज के सभी वर्गों से मिलें और वोट वो लोग वोट दें या ना दें, लेकिन आपस में एक दूसरे से संवाद जरूर करें। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई लोगों को सुलझी और विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पीएम की इस नसीहत का क्या मतलब है, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष और मुस्लिम बुद्धिजीवी डॉक्टर रहमानी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी और संघ पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और यूपी के प्रभारी डॉक्टर आजम बेग साहब भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवाजी सरकार साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो पीएम मोदी ने आज जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में इस तरह के हालात बनाने चाहिए कि जो दूसरे मुस्लिम समाज हैं या उससे रिलेटेड कोई भी बयानबाजी ऐसी ना करे जो किसी के खिलाफ जाए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बीजेपी एक चीज मानना पड़ेगा, 2014 के बाद से मेरे ख्याल में बाकी शासन प्रशासन जो भी करता हो एक इलेक्शन मोड में, इलेक्शन कैंपेनिंग में जुटा रहता है, और इलेक्शन की जो उनकी पूरी एनालिसिस है वो बहुत अच्छी है। अगर आप देखें बीजेपी को अब क्या चाहिए, बीजेपी को 2024 का चुनाव देखना है, और उससे पहले 9 स्टेट्स हैं जो इस साल नवंबर तक 9 स्टेट्स में चुनाव हो जाने हैं, और लोकसभा चुनाव के आसपास 4 स्टेट्स के और इलेक्शन होने हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी अगर स्टेट्स में अपने को काबिज नहीं कर पाती है तो उनको लगता है कि शायद हम सेंटर पे भी काबिज ना हो पाए। तो उसमें अगर आप देखें, एक चीज सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने आज जो कुछ भी कहा कि सबसे जाके मिलो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, या जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, ईसाई हो, सबसे जाके मिलिए, बात कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, जो आपके साथ बात नहीं भी करते उनसे भी जाके बात कीजिए, दूर दराज के बॉर्डर एरियाज में जाके लोगों से बात कीजिए और सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब इसको आपको जो समझना पड़ेगा, थोड़े से वोटर्स के स्टैटिस्टिक्स से समझना पड़ेगा। लेकिन सर, ये इस तरह का बयान पीएम मोदी की तरफ से काफी लेट नहीं आ रहा है? ये बयानबाजी जो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर के पीएम मोदी ने काफी देर बाद अपना बयान जारी किया है, आपको नहीं लगता इसमें काफी देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल सही है आपने जो कहा, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप देखें पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से ये शायद पहले करना चाहिए था, काफी देर हो रही है। पर एक चीज आपको मानना पड़ेगा, बीजेपी ने अपनी एक जो कैडर की जो एक ताकत बनाई है वो मेरे ख्याल में इस मुल्क में किसी भी पार्टी के साथ वैसा नहीं है। और आज अगर कहीं भी 2019 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव यूपी का हो जी, या और भी जितने भी चुनाव बीजेपी जीतती है, उसमें एक सबसे बड़ा और जो अहम रोल रहता है वो रहता है उनके वर्कर का, उनके कैडर का जो आरएसएस से आता है जी। वहां पे आरएसएस और बीजेपी का फर्क खत्म हो जाता है, ये हमें समझना पड़ेगा। वो आरएसएस है तो भी बीजेपी है, बीजेपी है तो भी आरएसएस है। ये जो एक उन्होंने एक बहुत रेजिमेंटेड एक और बहुत डेडिकेटेड लोगों को बनाया है, दूर दूर तक जाके बिना खाए भी 2 दिन रह सकते हैं, इस तरह के उनकी जो एक डेडिकेशन है वो एक बहुत नायाब चीज मैं समझता हूँ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट है जी। तो बीजेपी ने क्या, कोई देखिए बीजेपी की एक चीज आप समझ लीजिए, कांग्रेस की वोट्स कितनी रही, अगर आप लगातार देखें, मैं परसेंटेज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ टोटल नंबर्स पे जा रहा हूँ, कांग्रेस का वोट 2004 से लेके 2019 तक का अगर आप ले जी, तो 10 से
11.5 crore का रहा है, टोटल वोटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आजम बेग साहब, आप एक चीज, इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको वो भी देखना पड़ेगा, बीजेपी के वोट जो है, अगर आप देखें 2004 में 8 करोड़ के आसपास था, 2009 में भी करीब इतना ही था, और 2019 के चुनाव में उनके जो वोटर है, ऑल इंडिया वोटर्स, लोकसभा का मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा विधानसभा का नहीं कह रहा हूँ, वो 22 करोड़ हो गया है। और एक चीज और समझ लीजिए, टोटल वोटर्स है इस बार भी करीब 8-10 करोड़ बढ़ जाएंगे इस बार भी वोटर, और करीब लगभग 100 करोड़ वोटर हो जाएंगे अगले ईयर में भी, करीब 90-91 करोड़ का अभी रहा है पिछले। ठीक है सर जी, मैं अभी आपके पास आऊंगी, इस स्टैटिस्टिक्स पर बीजेपी काम कर रही है। ठीक है, ठीक। आजम बेग साहब, आपका क्या कहना है, जो आज पीएम मोदी ने बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को जो नसीहत की है कि वो मुसलमान समुदाय के खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार न करें, उसका स्वागत करते हैं। अच्छी नसीहत की है उन्होंने लोगों को, और ये बात कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कुछ और लोगों से भी कहनी चाहिए, उस गोदी मीडिया से भी कहना चाहिए जो जहर फैलाने में कोई कमी नहीं रखता और हर स्टेट में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गलत बयानबाजी करता है। अपने उन स्टेट्स के मुख्यमंत्री से भी कहनी चाहिए जो बराबर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते रहते हैं और उनके खिलाफ सिर्फ बयानबाजी ही नहीं करते बल्कि एक्शन करते रहते हैं। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये बात समझनी चाहिए इस मौके पर, जब वो दूसरे दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीचेस के मामले में जिन लोगों को अभी तक छोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये बात पार्लियामेंट में को कहना पड़ रहा है और कोर्ट को कहना पड़ रहा है। हम इस माहौल में जब हर जगह पर कोई मकाम ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे हों, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि झूठा प्रचार प्रसार न करें, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी आरएसएस की विंग जो र्यूमर्स स्प्रेडिंग स्क्वाड है, स्प्रेडिंग स्क्वाड के नाम से जानी जाती है, वो यही काम तो कर रही है। इसके लिए आज हाशिए पर हमको ला दिया गया है और हम किसी भी तरीके से उस सच्चाई को भी नहीं पेश कर पा रहे हैं जिस सच्चाई पर मुस्लिम समुदाय पिछले 200 साल देशभक्ति को लेकर के खड़ा रहा है। आज पूरे देश में नफरत का जो माहौल है, मजबूर होकर के माननीय जो एक प्रमुख कांग्रेस के नेता हैं राष्ट्रीय, हमारे राहुल गांधी जी, उनको उस नफरत के खिलाफ सड़क पर आना पड़ा है और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का आंदोलन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चल करके उनको लाना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नफरत फैलाई जा रही है और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी समझ चुके हैं कि नफरत का ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। अगर माननीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा से इतना सा इम्पैक्ट भी प्रधानमंत्री महोदय की पर पड़ा है, सोच पर पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सफल आंदोलन है जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की तरफ से चलाया जा रहा है और इस उनके इस कथन का हम निश्चित ही स्वागत करते हैं, लेकिन इस कथन के पीछे जो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस के लोगों को वो भी समझना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को इससे और आगे बढ़कर के दो कदम आगे चलना चाहिए। सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है या सिर्फ एक बयान, आप इसे मानते हैं, आप इस किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के खुद के बयान, उनके खुद के कथन, उनके खुद के कलमा, जिस तरीके से बीजेपी आकर्षित होकर के और जिस आक्रोश फैलाती है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, वोट ही सब कुछ नहीं है, वोटों की राजनीति के लिए ये समझना कि एक समुदाय विशेष को सबक सिखाओ तभी तुमको वोट मिलेगा, और दूसरी तरफ लोगों को खामोश करने के लिए इस तरीके की बातें करना, मैं समझता हूँ ये दोहरा चरित्र है जिसको भी लोगों को समझना चाहिए। जब खाके नशे मन भी न रही तब टूट के बरसा पानी भी, उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने, क्या बच गया हमारा? जी जी,
रहमानी साहब, जिस तरह से पीएम मोदी ने बयान दिया है उसे किस तरह से देखा जाए, जबकि सूरत में या उनकी जो भी और भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हुए छुरी तेज करने की बात करते हैं, हिंदू समाज से अपील कर रहे होते हैं, तो इस पे एक्शन नहीं लिया जाता लेकिन उसके बाद इस तरह के बयान आते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं रहमानी साहब? पुराना गाना याद आ रहा है मुझे, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। 15 लाख का की बात जो सबके बैंक अकाउंट में लाने थी, 2 करोड़ की नौकरियों की बात जो सबको मिलनी थी, सबको कहा गया कि चुनावी जुमला है। मैं जुमलेबाजों के जुमलों से कैसे मुतासिर हो सकता हूँ? मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है एक मरतबा 15 अगस्त की तकरीर में वजीर आजम मोहतरम ने लाल किले पे खड़े होके गौ रक्षकों को बहुत डांटा था और उन्हें कहा था गुंडे हैं ये सब, और उसके कुछ दिन बाद ही गाय के गौ रक्षकों ने मॉब लिंचिंग शुरू कर दी थी। एक मरतबा और उन्होंने कहा था कि समाज में एक तालमेल होना चाहिए और ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, एक और मरतबा उनका बयान आया था और उसके फौरन बाद फिर कोई बात है। तो मुझे तो आज इस तकरीर के बाद डर लग रहा है कि कहीं 1-2 दिन के बाद खुदा ना खास्ता ऐसे ही कोई वाकया दोबारा ना हो जाए। एक बात, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के बयानात के बीच एक बड़ा तजाद दिखाई दे रहा है। अभी चंद दिन पहले आरएसएस के चीफ ने ये फरमाया था कि पिछले 1000 साल से इस मुल्क का हिंदू हालत जंग में है, और अगर वो जंग के हालत में है तो उसका एग्रेसिव होना बड़ा नेचुरल है। ये बात उन्होंने एग्रेशन को जस्टिफाई किया था जी। और फिर आज वजीर आजम जो उसी विचारधारा की पार्टी उनके उनके वो जाहिर है कि वो पेरेंट हैं, उनके आरएसएस पेरेंट है बीजेपी की, उसी का वजीर आजम आज ये कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ आप इस किस्म की बातें ना करें। तो ये जो विरोधाभास है, ये एक इख्तलाफ जो है ओपिनियन का दोनों की, ये बहुत सी बातें जो अभी सरकार साहब बैठे अगर एनालिसिस करेंगे इन बयानात के दरमियान जो तादाद हैं, जो इन्फ़ियाल है, इस इन्फ़ियाल का अगर हम तजिया करते हैं तो लगता है कि कोई कहीं कोई बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई ना कोई तजाद इस वक्त है, और उसको लेके एक खौफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि मुझे याद है कि आरएसएस ने ही अभी हाल ही में इससे पहले के बयान में आरएसएस ने कहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल में है, और उसके लिए उन्होंने प्रणब दा की मिसाल भी दी थी कि प्रणब मुखर्जी जिस वक्त नेपाल के मामला देखते थे मिनिस्ट्री में, तो हम जाते थे उनके पास, वो हमारी बात मानते थे। तो उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि कांग्रेस की वजारतों में भी उनके ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो उनकी बात, आप किस तरह के ताजात की बात कर रहे हैं रहमानी साहब, आप किस तरह के ताजात की बात कर रहे हैं? मैंने ताजादात को वाजे किया कि एक तरफ आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि एग्रेशन होना नेचुरल है और जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या वजीर आजम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अब ये छेड़छाड़ बंद कर दी जाए। तो एक तरफ तो जुमलेबाज हैं, वजीर आजम के बारे में बात मशहूर है, उनके जो झूठ का लफ्ज अब अनपार्लियामेंट्री हो गया तो मैं वो लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनकी गलत बयानियां इंटरनेशनल मीडिया ने और लोकल मीडिया ने, हमारे नेशनल मीडिया ने भी बार बार उसकी वजाहत की है कि वो बार बार गलत बयानी से काम लेते रहे हैं। तो एक तरफ वो ये दुबला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात आरएसएस के चीफ कह रहे हैं, तो ये विरोधाभास ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके का की भीड़ दिखाई दे रही है, और जिसमें अयोध्या के संत राम मंदिर के पुजारी उसकी हिमायत कर रहे हैं, या चंपत राय जो वीएचपी के सदर है उसकी हिमायत कर रहे हैं, आरएसएस ने उसकी मुखालफत में अब तक कुछ नहीं बोला है, और इसके बरक्स वो हिंदू एग्रेशन, हालांकि हिंदू एग्रेशन को मैं बात कर रही आरएसएस का एग्रेशन जी। तो इससे लग रहा है कि एक चेंज लाने की कोशिश, कैडर वोट जो सरकार साहब बता रहे थे, कैडर वोट आरएसएस के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में नहीं है। जो 23 करोड़ वोट है वो बीजेपी का एज सच पूरा वोट नहीं है, उसमें बहुत सा वोट मैनिपुलेटेड भी, और बहुत सा वोट आरएसएस का है जो कभी किसी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी किसी पार्टी की, तो स्विंगिंग वोट है आरएसएस के हाथ में, वो बीजेपी का वोट नहीं है। तो इस तरह हमको जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स खुद बोलते हैं
खुद कांग्रेस का वोट भी कोई बहुत बड़ी तादाद में कम नहीं हुआ है, 16 करोड़ तक वोट रहा है 2014 तक भी कांग्रेस के हाथ में, तो इतना कम वोट नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चेंज की तरफ मुल्क जाता हुआ दिखाई देना हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी बट बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन द बीजेपी एंड आरएसएस। ठीक है सर। शिवाजी सरकार साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? जिस तरह से रहमानी साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की करनी और कथनी में विरोधाभास नजर आता है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, रहमानी साहब जो बातें कर रहे थे बस उलझी बातें कर रहे थे, अच्छी बातें थी। देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, जो रहमानी साहब जो बातें कर रहे हैं उसको अगर हम पॉलिटिकल प्लेन पे बात कर रहे हैं, बहुत सही बात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि अगर आरएसएस की तरफ से हैं तो मोहन भागवत जी का एक एग्रेशन दिखता है, पर उन्होंने एक चीज जो कहा है, उन्होंने कहा मतलब जो आइडेंटिटी की बात नहीं की उन्होंने कहा मुस्लिम जो है अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उस सुपीरियरिटी जो है उनके अंदर उस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो हावी नहीं होना चाहिए। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज जो है, अगर आप देखें तो आरएसएस ने जो कहा मोहन भागवत ने कि हिंदुओं को एग्रेशन के साथ आगे आना चाहिए, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबके साथ एक डायलॉग रखो, सबको मिलाओ, सबके साथ जोड़ो। देखिए, ये कई बार हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं तो एक तरफ तो लोग बड़े पुचकार के बात करते हैं, दूसरी तरफ धमकाते हैं, ये भी होता है जी। लेकिन सर, इस तरह का विरोधाभास सामाजिक सौहार्द को तो नहीं बढ़ावा दे रहा है? आप जिस तरह से बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, जिस तरह के वो विवादित बयान देते हैं एक समाज को लेकर, एक पर्टिकुलर समाज को लेकर के उनकी एक सोच बनी हुई है, उस पर तो कोई रोक नहीं लग रही, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता। इसका मैं दूसरी एनालिसिस देना चाहता हूँ। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, रहमानी साहब ने जो कुछ रखा वो भी बहुत सही रखा। उसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, लगातार एक ही चीज पे जो है चुनाव लड़ने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं वो कामयाब रही है। वो है कि जो एक रिलीजियस, एक जो फैनाटिसिज्म है या रिलीजियस फीलिंग्स है, उसको ज्यादा बढ़ाओ, और उसको बढ़ाने से उनका जो, खास करके उनका जो कैडर है, उनको बड़ा आसान होता है। वो जाता है वोटर के पास और कहता है देखिए आप खतरे में हैं, और खतरा किससे है? वो मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि खतरा वहां से है। तो ये देखिए, किसी के दिल में इस तरह का एक डर अगर आप बैठ जाता है तो पोलराइजेशन बड़ा आसान हो जाता है, तो वो हो रहा है मुझे लगता है। और आप, मैं इसीलिए सबसे शुरू में मैंने यही कहा कि बीजेपी के वोट्स कितने बढ़ गए, ये आप सोचिए। कहां 8 करोड़ का वोट होता था 2004 से 2008-09 के बीच में, और कहां 22 करोड़ से ज्यादा का वोट हो गया जी। वोट बैंक तो बड़ा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मुस्लिमों के बीच जाने की जरूरत नजर आई है। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अब जो है, एक बात ये भी, एक मिनट के लिए सिर्फ टोकना चाहता हूँ, आपका तसल्लुस टूटेगा। 22 करोड़ वोट जो मिला बीजेपी को, आप देखिए कि 90 करोड़ के करीब हमारा वोट था, 89 करोड़ वोट था 2019 में, उसमें से कुल 22 करोड़ मिला है। तो आरएसएस का कोई बहुत व्यापक मैंडेट हो ऐसा नहीं कह सकते। 38% जो वोट था वो वोट उसमें स्प्लिट बहुत हुआ, तो एक जनरल कंसेंसस आरएसएस के फेवर में आज भी इस देश में नहीं है। ये बात इस देश के तमाम लोगों को समझनी चाहिए। इत्तेफाक रखता हूं, पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप बीजेपी के खिलाफ इस वक्त जो वोट है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेस के पास इस वक्त लगभग 12-13 करोड़ का वोट इस वक्त है, और वो कभी कभी कॉन्स्टेंट रहा है पिछले कई सालों से, वो जो है लेवल बढ़ा नहीं है कांग्रेस का। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी जाओ ये यहाँ पर है। 2014 ठीक है सर, आसिफ एक साम मैं शिवाजी सरकार जी क्यों आ रहा है? चेंज इसलिए आ रहा है जो कि अभी आजम साहब कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो है असर है, एक डर भी है कि कहीं इससे एक ऑपोजिशन की यूनिटी अगर हो जाए तो 22 करोड़ के खिलाफ अगर 78 करोड़ साथ हो जाते हैं
तो उसका जो असर अगर होता है तो बहुत बड़ा असर होगा, और वो असर को कैसे तोड़ना है, तो वो असर इससे तोड़ना है कि अगर पसमंदा मुसलमानों की बात करें, वो भी करीब 13-14 करोड़ के आसपास माने जाते हैं, और बोरा जो है वो भी कुछ मेरे ख्याल 14-15 लाख-16 लाख तो होंगे ही, तो वो एक सबका अगर आ जाता है तो मुसलमानों का वोट एक तरफा न जाके वो अगर इनके पास थोड़ा सा भी आ जाता है तो बीजेपी जो है अपनी जो वोटर सुप्रीमेसी है, वोटिंग सुप्रीमेसी वो रख सकती है। ये स्टैटिस्टिक्स की बात मैं कह रहा हूं, 3% इज ऑलरेडी विद बीजेपी, 3% वोट। आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, बोरा समाज है या कुछ और छोटे छोटे समाज है, उनका मुस्लिम वोट बीजेपी को जाता रहा, एक हिस्टोरिकल हकीकत है। 2004 में भी गया था। जी सर, मैं अभी आपके पास आऊंगी, एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी। सर आजम बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सॉफ्ट कट्टर हिंदुत्व का कांग्रेसी नतीजा है कि मुसलमान आज समाज में बिल्कुल अलग थलग सा नजर आ रहा है, और बीजेपी को भी इस तरह के बयान हम देने पड़ रहे हैं? 100% यही बिल्कुल सच्चाई है कि बीजेपी ने जो पॉलिसी इख्तियार की है, चुनावी रणनीति बनाकर मुस्लिम समाज को साइड में करके उनको सबक सिखाने के लिए, और जो हिंदुस्तान के नॉर्मल हिंदू समाज जो बहुत प्रेम अपने दिलों के अंदर रखता है उसको वरगला करके, और झूठी बयानबाजी से जिसका आज एतराफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, उसको अपना करके जो मुस्लिम समाज को साइड में किया। लेकिन सर कांग्रेस ने भी तो यही काम किया है, सॉफ्ट कांग्रेस कर हिंदुत्व को बांट कर कैसे एतबार कर रहे हैं इस बयान पे, कांग्रेस ने जो किया है आजम बेग साहब कैसे आप कांग्रेस ने कुछ भी एतबार कर रहे हैं, नफरत की राजनीति नहीं की कांग्रेस ने, जो भी किया है लोगों को जोड़ने की राजनीति की है कांग्रेस ने, जो भी किया है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखकर के राजनीति की है। कठिनाइयां कमजोरियां हो सकती है, लेकिन आज जो हम जिस प्रधानमंत्री के बयान पर बात कर रहे हैं उसको अगर सामने रखकर देखा जाए तो सीधे से ये नजर आएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात की है वो उसी को सामने रखकर के हम लोग बयान करें। हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है उससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय दुखी क्यों हुए, इसलिए वो दुखी हुए हैं कि अब जो राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है भारत को नफरत के खिलाफ जोड़ने की, उससे वो बौखलाएं, और कोई स्टेट ऐसा नहीं है पिछले 10 रियासतों में माननीय राहुल गांधी जी घूमे हैं जहां पर उनको लाखों का समर्थन न मिला हो। मैं खुद राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहा हूं, लोग सोच नहीं सकते कि कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी। राहुल गांधी जी ने जयपुर में वर्णन किया था, उन्होंने ये कहा था हिंदुत्व का मसला ही नहीं है जी, लेकिन जिस तरह से 2024 उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ रफ्तार ज्यादा रही है कांग्रेस की, इसलिए अब चुनाव हारे हैं, और तब से सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया आपने, और आपने उत्तर आपने असम में जाके बदरुद्दीन अजमल का हाथ पहले भी झटका था और आज फिर झटका है आपने कुछ दिन पहले, और आपने कुछ भी कहा चाहिए कि अगर कांग्रेस को हम लोगों ने बाकी नहीं रखा और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को सामने रखकर कांग्रेस की इस वक्त की क्यादत का साथ नहीं दिया, हमारी तो नहीं है जिम्मेदारी सर, सारे देश की भारतीय जनता होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी पूरे देश की है, दलितों की भी है ये जिम्मेदारी, ओबीसी की भी है ये जिम्मेदारी, और किसानों की भी है, को भी कुर्बान कर देते हैं। मैं समझ मैं आपके पास आती हूँ, हम लोगों को ऐसी राजनीति से दूर आना चाहिए जो नफरत की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है, जो रियासती सतह पर लोगों को वर्गों और वर्ग विशेष में बांटने की राजनीति है, इस वक्त देश को बचाने का मामला है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस डर से जूझ रहे हैं कि अगर देश में नफरत का यही माहौल गर्म रहा तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये कथन वैसे ही नहीं आया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है कि कैसे जरा जरा सी बात पर लोगों को नफरत में बांट दिया जाता है, समाजों को लड़ा दिया जाता है, और उसके बाद सत्ता की रोटी सेंकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही। रहमानी साहब, कथन का स्वागत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस राजनीति के खिलाफ पूरे देश को खड़े होना चाहिए,
जो नफरत की राजनीति है, मजहब की राजनीति है, झूठी राजनीति है और चरित्र हरण की राजनीति है पूरे देश जी, में। रहमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बेग साहब कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है पूरे देश में, तो क्या इस तरह के बयान वाकई मुस्लिम वोट बैंक जीत पाएगी बीजेपी, जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं 2024 से पहले? उसका कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे तो हैरत है कि कांग्रेस के लोग, आजम बेग साहब हों या और भी कांग्रेस के लोगों के बयानात मैंने आज सुने, उन्होंने कितनी आसानी से वजीर आजम के उस इस बयान पर यकीन करके और क्रेडिट अपने आप को दे लिया कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से वजीर आजम ने कहा, जबकि ये फैक्ट सबकी नजर में मौजूद है, सारी दुनिया जानती है कि वजीर आजम के इन बयानात का अमलन कोई नतीजा कभी भी बराबर बरामद नहीं हुआ पिछले 8 साल में। इसके बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस बयान को कैसे यकीन के तौर पर मान रही है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर एतराज है, कांग्रेस को कांग्रेस मरी नहीं है, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस 3 रियासतों में आज सरकार बनाए हुए है, कांग्रेस के पास सरकार साहब बता रहे हैं आज भी 12 करोड़ के करीब वोट मौजूद है। तो कांग्रेस न मरी है न मरेगी। इस मुल्क में दो ही प्रैक्टिकली तो दो ही नेशनल पार्टीज है, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, व्यापक लेवल पर पैन इंडिया लेवल पर कौन सी दूसरी कोई पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस तो जिंदा है और रहेगी, मुझे इसमें बिल्कुल भी किसी कुछ ना कोई शुभा नहीं है। मगर मेरा एतराज इस पे है कि आखिर मुसलमानों के सिर ये ठीकरा क्यों फोड़ा जाए कि आप कांग्रेस को जिंदा रखिए। ये इस मुल्क में मजदूरों के मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, दलितों के मसाइल हैं, ओबीसी के मसाइल हैं, ट्राइबल्स के मसाइल हैं, क्या उन सब की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या ये सब जिम्मेदारी सबको कबूल नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी जैसी नफरत अंगेज फासिस्ट पार्टी को इख्तदार से हटाया जाए? वाई मुस्लिम दे लोन, और जब आप अकेले मुसलमानों की बात करते तब तो कम्युनलाइजेशन आप भी कर रहे होते, तब खाली बीजेपी क्यों जिम्मेदार हो? कभी आप सॉफ्ट इशू की बात करने लगते हैं कि साहब मुसलमानों की वजह से अभी इलेक्शन हार गए, कभी आप कहते हैं कि मुसलमानों को देश बचाने के लिए कांग्रेस का साथ दे रहे थे। आपके पास आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा क्रंच है, ये रीजन है कि आप अपना वोट बढ़ा नहीं पा रहे, कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी। हिंदुत्व की कहानी भी बीजेपी कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कांग्रेस नहीं करती, बीजेपी और कुछ लोग जान बूझ करके कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले ला करके सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। कांग्रेस का कोई सॉफ्ट हिंदुत्व बना जी शिवाजी सरकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी ने कहा है कि सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है, सत्ता में बैठे लोग ये ना सोचे कि सब स्थायी है, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि सत्ता आ भी सकती है और जा भी सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल इस वक्त बीजेपी के अंदर एक चर्निंग है, ये तो मानना पड़ेगा। बीजेपी के अंदर एक चर्निंग है, आजम साहब जो कह रहे थे कि उनके भारत जोड़ो यात्रा के वजह से बहुत कुछ हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में देखिए एक चीज अगर मैं देखता हूँ कि वहां के साथ राहुल गांधी के साथ लोग जुड़े तो हैं, पर क्या कांग्रेस के पास अभी वो ताकत है कि जो जुड़े हैं उनका नकदीकरण भी कर सके वोट में? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ऐसा नहीं, आसान नहीं है जो चीज हम कह रहे हैं। जब देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, कांग्रेस जैसा कि रहमानी साहब कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व खेलती है, अब राहुल गांधी को जनों पे आने की क्या जरूरत है? और कई बार कई बातें जो करते हैं, अब वीर सावरकर के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, पर लोग भूल जाते हैं कि वीर सावरकर जी, लेकिन सर कट्टरता से तो हर पार्टी को दूर रहना चाहिए ना, कट्टरता तो हर किसी भी पार्टी में नहीं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। और सावरकर का रिश्ता जो है आरएसएस के साथ कोई गहरा नहीं रहा है, आरएसएस उनको नापसंद था, ये भी सही बात है। और कांग्रेस इस बात को समझती नहीं है, अरे कांग्रेस भी सावरकर को अगर अपना लेगी तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता है, फ्रीडम फाइटर तो थे ही, हर रास्ते में आदमी कैसे कौन रास्ते पे चलता है वो अलग सवाल है। तो कांग्रेस जो है कंफ्यूज है कहीं ना कहीं आज भी। कांग्रेस ये भी मैं मानता हूँ कांग्रेस सारे पार्टियों को लीडरशिप दे सकती है, कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है कि सारे काफी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को उन्होंने एक लेटर भेजा है कि हमारे साथ आप आए, अच्छी बात है ये। पर सवाल ये है कि जो एक आइडियोलॉजिकल बेस है कांग्रेस, वो अपना खो चुकी है, ये बात भी सही है। तो कांग्रेस जब तक उस आइडियोलॉजिकल बेस को अपने साथ नहीं जोड़ेगी, और बीजेपी देखिए बीजेपी एक चीज जो है बहुत अच्छी तरह समझती है कि बीजेपी एक चीज समझती है कि हिंदुओं को अगर उनको साथ रखा, हिंदुत्व के इश्यूज को उन्होंने बढ़ा के रखा, और हिंदुत्व के इश्यूज के साथ हिंदू को अगर पोलराइज कर सकते हैं, तो बाकी
जैसे कि 2-3% आप रहमानी साहब कह रहे थे कि पसंदीदा और कुछ लोगों के वोट चले जाते हैं, वो बढ़ के 6-7% हो जाता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा। ठीक है सर, मैं रहमानी साहब का भी रिएक्शन ले लेती हूं। एक छोटी सी जी, रहमानी साहब, क्या मुसलमान भरोसा कर सकते हैं बीजेपी पर? आपको जिस तरह से सर कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से कट्टरता राजनीतिक पार्टियों पे हावी हो जाती है, क्या उन सबसे सभी राजनीतिक पार्टियों को दूर नहीं रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई मुसलमान जो है वजीर आजम के, मुझे एक मिनट का, एक आधे मिनट का, जरूर जरूर जरूर। देखिये, बीजेपी के साथ एक कमजोरी बहुत बड़ी है जिसको ना कांग्रेस बता रही है ना कोई दूसरा कोई बता रहा है। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, उसके बड़ी अच्छी तरह से उस पर मजम्मत कर सकते हैं। बीजेपी के पास जो कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, वो एक इकोनॉमिक उस पे बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, और उस पे जो है जो मजम्मत करनी चाहिए, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वो तो कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस इन चीजों को सोचती ही नहीं है। कांग्रेस सोचती है कि बीजेपी के बी टीम हम बन जाएंगे तो हम ए टीम भी बन सकते हैं, इलेक्शन तो जीत ही लेंगे। तो इलेक्शन जीतना अगर किसी पार्टी का सिर्फ मुद्दा है तो उससे इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। जी रहमानी साहब, एक छोटी सी बात ये कि बीजेपी किसे मुसलमान अभी तो जुड़ने नहीं जा रहा, चाहे वो पसमांदा की बात करें या बोरो की बात करें, जो कोई फर्क नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में सबसे अच्छे पॉलिटिकल ब्रेन्स अगर किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के पास वोट बहुत है, इकतदार बहुत बड़ा है, लेकिन उतने अच्छे पॉलिटिकल ब्रेन नहीं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आज ही आई है, ऑक्सफैम इंडिया की, आप देखिए जो जो हमारे आपने फरमाया सरकार जी ने, ये क्या कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, कितनी तेजी से उन मुद्दों को उठाना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान की बात कांग्रेस भी उसमें उलझ जाती है, और असल मुद्दों की जो सत्याग्रह करना है, भारत जोड़ो यात्रा की तरफ में जो सत्याग्रह है, वो तो इन भूखे लोगों के लिए करना चाहिए कि जिन जो 21 लोगों के हाथों में कुल सारे देश की दौलत चली गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। 140 करोड़ लोग के इस जी 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 ठीक है ठीक है। आजम बेग साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। जी, शिवाजी सरकार साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल बराबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक नीतियों पर जिस तरीके से विफल हुई है बीजेपी, उसको भी हम लोगों को मुद्दा बनाना चाहिए, और वो बड़ा मुद्दा है। समाज का हर वर्ग, विशेषकर जो मध्यम वर्ग है। मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। आज के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।